नाउ नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है टॉक्सिन्स फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आइदर इन यूकेरियोटिक सेल या फिर एज ए बैक्टीरियोसिन खुद की ही स्ट्रेंथ्स के ऊपर एक्ट करते हैं और ये इससे अपना विरुलेंस जनरेट करते हैं और पैथोजेनिसिटी क्रिएट करते हैं। तो जो टॉक्सिन है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर का बना होता है जिसमें पार्ट ए होता है और बी होता है, इसलिए हम इसको एबिटॉक्सिन्स कहते हैं। एबिटॉक्सिन्स में जो ये ए और बी है ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो जैसे ए पार्ट जो है उसका मेन फंक्शन होता है कि ये कैटालिटिक एक्टिविटी रखता है, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखता है, यानी कि जिससे भी ये पूरा ए बी कंपाउंड बाइंड होता है वहाँ पर ए जो होगा वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्रिएट करेगा। बी पार्ट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। बी पार्ट जो है उसमें एक जो रिसेप्टर है जहाँ से इसको बाइंड होकर एक्शन करना है, तो बी पार्ट रिसेप्टर मीडिएटेड होता है, रिसेप्टर वाला पोर्शन होता है, इसमें बाइंडिंग डोमेन होता है ये। और दूसरा जो डोमेन होता है बी पार्ट में वो होता है ट्रांसलोकेशन डोमेन। तो ट्रांसलोकेशन डोमेन का काम क्या होता है कि ये एक चैनल बनाता है और इस चैनल के थ्रू किसी भी टाइप का जो ए कैटालिटिक एक्टिविटी वाला जो ए पार्ट है वो इसमें से मूव कर जाता है। तो सपोज कीजिए कि ये कोई यूकेरियोटिक सेल है, वहाँ पर यदि कोई टॉक्सिन वर्क कर रहा है तो वो सबसे पहले एक चैनल बनाएगा, ये चैनल जो है बी पार्ट बनाएगा और इसमें जो टॉक्सिन है वो इंसर्ट हो जाएगा, वो रहेगा ए पार्ट। तो बी को इंसर्शन करने के लिए आर फैक्टर की ज़रूरत होगी, आर डोमेन की ज़रूरत होगी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एसटी टॉक्सिन की। एसटी टॉक्सिन की बात करने के पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि बैक्टीरियल टॉक्सिन बाकी उसके स्ट्रक्चर से डिफरेंट होते हैं। द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स ऑफन एक्ट डिस्टेंस्ड फ्रॉम द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड आर फिजिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट डोमेन दैट रिकॉग्नाइज रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ सेंसिटिव सेल्स एंड पजेस एंजाइमेटिक एक्टिविटी टू मॉड्यूलेट द एक्शन ऑफ एन इंट्रासेलुलर होस्ट टारगेट। तो बहुत सिंपल है कि इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है तो ये डिस्टेंटली मतलब दूरी से भी काम कर सकते हैं, इनको टॉक्सिन्स को जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल होस्ट के पास में रहकर के काम करे। ठीक है, तो अब हम इसमें पहला टॉक्सिन लेते हैं। पहला टॉक्सिन है हीट स्टेबल एंट्रोटॉक्सिन। तो हीट स्टेबल एंट्रोटॉक्सिन जो है हीट स्टेबल एंट्रोटॉक्सिन एक कंजर्व्ड पेप्टाइड है जो बेसिकली पैथोजेनिक एस्टीचिया कोलाई में प्रोड्यूस होता है। ये दो टाइप का होता है, एस टी ए और एस टी बी। एस टी ए और एस टी बी दोनों ही ह्यूमन और पोर्साइन में एक्ट करते हैं, यानी कि बेसिकली इस एस टी टॉक्सिन का काम जो होता है वो ट्रेवलर डायरिया करने का होता है। तो ये पैथोजेनिक ई कोलाई जो है एस टी ए के थ्रू ह्यूमन पोर्साइन में और एस टी बी के थ्रू भी ह्यूमन और पोर्साइन में ट्रेवलर डायरिया करता है। तो ट्रेवलर डायरिया की मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये ट्रेवलर डायरिया करता है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। एस टी ए टॉक्सिन जो होता है वो 18 एमिनो एसिड लॉन्ग होता है, एस टी बी टॉक्सिन जो है वो 48 एमिनो एसिड लॉन्ग होता है। ओके, तो एस टी ए टॉक्सिन का थोड़ा इस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें एक अल्फा हेलिक्स एंड टर्मिनल पे अल्फा हेलिक्स होता है, सेंट्रल रीजन में टाइप 1 बीटा टर्न होता है और सी टर्मिनल पे टाइप 2 बीटा टर्न होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है एस टी ए टॉक्सिन है और ये एस टी ए टॉक्सिन ग्वानाइलेट साइक्लेस सी रिसेप्टर से बाइंड होता है। ठीक है, यानी कि ग्वानाइलेट साइक्लेस ये एक जीएमपी रिसेप्टर है। ओके, तो जीएमपी मीडिएटेड रिसेप्टर है। यहाँ इस ये रिसेप्टर कहाँ मिलता है, ये रिसेप्टर मिलता है एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन एंड कोलॉन्स। तो जो कोलॉन है और एपिथेलियम जो इंटेस्टाइन है
उसकी इपिथिलियम में होता है ये, तो इससे सबसे पहले बाइंड होगा। इसके बाइंडिंग होने से प्रोटीन काइनेस जी और प्रोटीन काइनेस सी एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन काइनेस जी और प्रोटीन काइनेस सी एक्टिवेट होते हैं। तो प्रोटीन काइनेस जी और प्रोटीन काइनेस सी के एक्टिवेट होने से IP3 मीडिएटेड कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होता है। तो IP3 मीडिएटेड कैल्शियम चैनल का एक्टिवेशन हो गया, तो IP3 कैल्शियम मीडिएटेड कैल्शियम के एक्टिवेट होने से साइक्लिक GMP इंक्रीज हो जाता है। साइक्लिक GMP के इंक्रीज होने पर जो क्लोराइड आयन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने से जो ल्यूमन है इंटेस्टाइन की उसमें फ्लूड एक्युमुलेशन होता है, ठीक है। तो ये था पूरा मैकेनिज्म STA का। अब STB टॉक्सिन कैसे काम करता है, तो STB टॉक्सिन में दो पैरेलल एंटी पैरेलल अल्फा हेलिक्स होते हैं, एंटी पैरेलल अल्फा हेलिक्स होते हैं जो कि ग्लाइसिन रिच लूप से कनेक्टेड होते हैं। तो ये ग्लाइसिन रिच लूप है, इससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये थोड़ा सा नेट से आप सर्च करेंगे तो डिफरेंट हो, क्योंकि ये मैंने पढ़ते हुए जो मुझे समझ में आया कि ऐसा होना चाहिए वैसा मैंने एक स्ट्रक्चर इसका तैयार किया है जो कि मुझे पढ़ने में इजी रहे। तो बाकी ये सही है कि एंटी पैरेलल अल्फा हेलिक्स होते हैं जो कि ग्लाइसिन रिच लूप से कनेक्टेड होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पूरा STB टॉक्सिन है ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड ऑन एपिथिलियम से बाइंड हो जाते हैं, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड ऑन एपिथिलियम इससे बाइंड हो जाते हैं। इसके बाइंड होने से GTP बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट होता है। तो यहाँ डिफरेंस ये है STA और STB में कि STA में साइक्लिक GMP एक्टिवेट हुआ था और यहाँ पर साइक्लिक MP एक्टिवेट नहीं होकर के यहाँ GTP एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ GTP बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन्स, इसके कारण कैल्शियम इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन, इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा बढ़ता है। इधर क्या डिफरेंस था, इधर ये था कि क्लोराइड का एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में कंसंट्रेशन बढ़ता है और यहाँ पर कैल्शियम का इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन कैल्शियम का बढ़ेगा तो फ्लूइड इंटेस्टाइन में एक्युमुलेट होता है और साथ में इस जो STB है इसमें पोर फॉर्मिंग एक्टिविटी भी होती है, पोर फॉर्मिंग लाइक एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। तो ये था अभी तक हमारा E. coli का टॉक्सिन ST टॉक्सिन। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि एक सेकंड में इसमें बताना चाह रहा हूँ। ओके, इसमें नहीं है, आगे मैं आपको इसमें बताऊंगा। सेकंड है वो है पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन। पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन का मैकेनिज्म भी वही है कि इसमें भी वैसा ही मैकेनिज्म होता है कि इसमें एक ए पार्ट होता है और एक बी पार्ट होता है, और ये AB टॉक्सिन जो है इसमें कैटालिटिक एक्टिविटी होती है और बी पार्ट में रिसेप्टर एक्टिविटी, रिसेप्टर डोमेन होता है, तो बी पार्ट में ही ट्रांसलोकेशन डोमेन होता है। ट्रांसलोकेशन डोमेन का मतलब होता है कि जो प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन होना, ठीक है। और इसका बेस्ट टर्म है ट्रांसलोकेशन ऑफ इफेक्टर प्रोटीन। जो भी प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन होना है उसको हम इफेक्टर प्रोटीन कहते हैं। अब इसमें आते हैं हम पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन में। तो पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन भी दो टाइप का होता है, अल्फा पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन और बीटा पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन। तो इसमें अल्फा हेलिक्स होते हैं और अल्फा हेलिक्स वाला जो पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन है ये अल्फा हेलिक्स के थ्रू जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है होस्ट की उससे बाइंड होता है और पोर बनाता है, और पोर बना करके जो परमिबिलिटी है यूकैरियोटिक सेल की या होस्ट की उसको डैमेज करता है। यहाँ पर जो बीटा पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन है उसमें बीटा शीट्स होती हैं प्रोटीन में, और बीटा शीट्स के थ्रू पोर बनाता है और पोर बना करके डैमेज करता है, ठीक है। अब इसमें अल्फ़ा का एग्जांपल है कोलिसिन ऑफ ईकोलाई
और डिप्थीरिया टॉक्सिन, ये याद रखना है। अब इसमें कोलिसिन है, ये कोलिसिन बेसिकली क्या है, कोलिसिन बेसिकली बैक्टीरियोसिन है, ठीक है। कोलिसिन क्या है, कोलिसिन बैक्टीरियोसिन है, और बैक्टीरियोसिन हमेशा ही अपनी ही ईकोलाई की स्ट्रेंथ पर एक्ट करते हैं, यानी कि द टॉक्सिन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड एक्ट ऑन बैक्टीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया टॉक्सिन दूसरा इसका एग्जाम्पल है। बीटा की बात करें तो बीटा में कोलेस्ट्रॉल डिपेंडेंट साइटोलाइसिन्स इसका गुड एग्जाम्पल है इस टॉक्सिन का। तो कोलेस्ट्रॉल डिपेंडेंट साइटोलाइसिन्स ये प्रोड्यूस होते हैं लिशेरिया, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ मैं, लिशेरिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोना न्यूमोनी और बेसिलस एंथ्रेसिस। तो ये तीन बैक्टीरिया याद रखना है जिससे बीटा पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन रिलीज होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सुपर एंटीजन्स। तो अभी हमने जितने भी टॉक्सिन्स पढ़े हैं उसमें नेक्स्ट टॉक्सिन जो है बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस होता है और वायरस द्वारा भी प्रोड्यूस होता है, और ये जो है सुपर एंटीजन है। सुपर एंटीजन को सबसे पहले ये जो टर्म है ये दिया था 1990 में केपलर एंड मरेक ने। एक्चुअल में हुआ क्या था, हिस्टोरिकली ये है कि 1960 में, ये मैंने एक पूरा आर्टिकल इसका निकाला है, तो 1960 में यूएस में वेपनाइज्ड स्टेफाइलोकोकल एंट्रोटॉक्सिन एज इनकैपेसिटेटिंग बायोलॉजिकल एलिमेंट व्हेन गिवन बाय इनहेलेशन रूट मच लोअर क्वांटिटीज प्रोड्यूस द डिजायर इनकैपेसिटेटिंग इफेक्ट दैट विथ सिंथेटिक केमिकल्स। द क्लिनिकल इफेक्ट वेयर फीवर, मेलेज, myalgia, respiratory symptoms like cough and dyspnea and gastrointestinal symptoms। तो 1960 में US में weaponized staphylococcal enterotoxin का use हुआ था, और इसमें इस super antigen का use किया गया था, और उस समय ये नहीं पता था कि ये super antigen है, क्योंकि ये term जो है 1990 में Kepler और Marek ने ये दिया है term, ठीक है। अब इसके features की बात करें तो यदि सुपर एंटीजन एक्सोजिनस होता है तो वो एक्सोजिनस सुपर एंटीजन इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, और एंडोजिनस सुपर एंटीजन आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरसेस। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया के, तो सुपर एंटीजन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया आर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, देन माइकोप्लाज्मा एंटेराइडिस, देन यर्सिनिया स्यूडो ट्यूबरक्लोसिस। ये कुछ बैक्टीरियल एग्जाम्पल्स हैं। सुपर एंटीजन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है और फूड पॉइजनिंग करता है। तो फूड पॉइजनिंग हमें पता है स्टेफाइलोकोकस से होती है फूड पॉइजनिंग, और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि जब सुपर एंटीजन टी सेल से बाइंड होता है तो मल्टीपल साइटोटॉक्सिन रिलीज करता है, और इसके कारण एक शॉक सिंड्रोम प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा सुपर एंटीजन के दो टाइप हैं। सुपर एंटीजन बेसिकली टारगेट करता है एमएससी सेकेंड और टीएलआर को, टीसीआर को, यानी कि टी सेल रिसेप्टर को, और इसके अलावा इसका एक और कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं एसएलएल। एसएलएल बेसिकली सुपर एंटीजन का ही एक पार्ट है, इसको हम कहते हैं सुपर एंटीजन लाइक टॉक्सिन। तो सुपर एंटीजन लाइक टॉक्सिन एसएलएल जो होता है, सॉरी एसएसएल, ये एसएलएल नहीं है, एसएसएल है। तो ये एसएसएल इननेट इम्यून रिस्पांस को इवोक करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सुपर एंटीजन बेसिकली टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और फूड पॉइजनिंग को इवोक करता है, जबकि एसएसएल जो होता है वो इननेट इम्यून रिस्पांस क्रिएट करता है। इननेट इम्यून रिस्पांस में ह्यूमन रिस्पांस भी आ गया है ना, आपका बेसिक जो रिस्पांस है वो भी आ गया, लेकिन सुपर एंटीजन जो होता है वो टीसीआर से सेल मीडिएटेड एंटीजन रिस्पांस क्रिएट करता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। सुपर एंटीजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इसमें एक एन टर्मिनल, ये जो पूरा पेप्टाइड है उसमें एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल इज़ ए कंजर्व्ड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड ओबी फोल्ड होता है, इसमें ओ बी फोल्ड होता है एन टर्मिनल की तरफ,
ठीक है, कंजर्व्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड ओ बी फोल्ड होता है एन टर्मिनल की तरफ, जबकि सी टर्मिनल की तरफ होता है बीटा ग्रास्प फोल्ड। कौन सा फोल्ड? बीटा ग्रास्प फोल्ड। अब इन दोनों टर्मिनल्स के मिडिल में ये हाईली कंजर्व्ड एरिया है जो कि चेंज नहीं होता है, और ये एन और सी टर्मिनल आपस में बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं, और इसमें एक बीच में जो फोल्ड होता है ये फोल्ड टी सी आर बाइंडिंग डोमेन कहलाता है, जो कि टी सेल रिसेप्टर से बाइंड होता है। अब इसमें जो बाइंडिंग है वो स्पेसिफिक होती है टी सी आर में, तो इसको हम समझने के पहले एक बार टी सी आर के स्ट्रक्चर को समझेंगे। टी सी आर में दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, दो टाइप की चेन होती है, अल्फ़ा एंड बीटा चेन और दूसरा गामा एंड डेल्टा चेन। अल्फ़ा चेन जो होती है उसमें थ्री डोमेन्स होते हैं, पहला होता है वेरिएबल रीजन, दूसरा वेरिएबल रीजन, एक सेकेंड इसमें, हाँ जंक्शनल रीजन, वेरिएबल रीजन, जंक्शनल रीजन और डाइवर्सिटी रीजन, इस टाइप से तीन रीजन होते हैं अल्फ़ा में, जबकि बीटा चेन में चार रीजन्स होते हैं, वेरिएबल रीजन, जंक्शनल रीजन, डाइवर्सिटी रीजन और कॉन्स्टेंट रीजन। तो ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुपर एंटीजन स्पेशली जो जो बी वेरिएबल रीजन है इसी के साथ बाइंड होता है ना, तो इसलिए सुपर एंटीजन नॉन एमएससी रेस्ट्रिक्टेड है, और नॉन एमएससी रेस्ट्रिक्टेड होने के साथ साथ ये जो है बीटा वेरिएबल रीजन और से ही बाइंड होता है। तो कन्वेंशनल एंटीजन और सुपर एंटीजन में क्या डिफरेंस है? कन्वेंशनल एंटीजन जो है बीटा वेरिएबल से और अल्फ़ा वेरिएबल दोनों से बाइंड होता है, और दोनों से बाइंड होकर के यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सुपर एंटीजन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल एंटीजन एंड सुपर एंटीजन इज दैट द फॉर्मर आफ्टर एंटीजेनिक प्रोसेसिंग इंटरेक्ट विद बोथ अल्फा वेरिएबल एंड वेरिएबल बीटा रीजन ऑफ टी सी आर, वाइल द लेटर बाईपास द एंटीजेनिक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म एंड इंटरेक्ट ओनली विद द टी सी आर वी बीटा रीजन, यानी वेरिएबल बीटा रीजन। तो कन्वेंशनल एंटीजन क्या होता है? अल्फा वेरिएबल और बीटा वेरिएबल दोनों रीजन से बाइंड होता है और उसकी एंटीजेनिक प्रोसेसिंग हो जाती है, जबकि सुपर एंटीजन जो होता है वो सिर्फ बीटा वेरिएबल से बाइंड होता है और एंटीजेनिक प्रोसेसिंग को वो स्विच कर जाता है, एंटीजेनिक प्रोसेसिंग उसकी नहीं हो पाती है। सो एज ए रिजल्ट स्पेसिफिक एंटीजन कैन स्टिमुलेट ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टी सेल, वाइल सुपर एंटीजन कैन स्टिमुलेट ए लार्ज क्लोन ऑफ टी सेल। तो सुपर एंटीजन का मतलब ये इम्यूनो मॉड्यूलेटरी सबस्टेंस है जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ टी सेल प्रोड्यूस करता है। Therefore, the action of a specific antigen is MSC restricted. तो जो conventional antigen होता है उसका action MSC restricted होता है, and that of the super antigen की अगर बात करें तो वो non-MSC restricted होता है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म और आता है, वो टर्म है प्रेनाइल पायरोफॉस्फेट एंटीजन। तो ये जो प्रेनाइल पायरोफॉस्फेट एंटीजन है ये बेसिकली गामा डेल्टा टी सेल को, टी सी आर को स्टिमुलेट करता है। तो ये याद रखना है, प्रेनाइल पायरोफॉस्फेट एंटीजन जो होता है ये गामा डेल्टा सेल्स को, टी सेल्स को, टी सी आर को स्टिमुलेट करता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं सिक्रेशन सिस्टम की, जिससे डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन बैक्टीरिया से रिलीज होते हैं। तो सिक्रेशन सिस्टम हम जानते हैं कि ये टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप सेवन तक के होते हैं, ये टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर, ये पिछले एक लेक्चर में हम पढ़ भी चुके हैं। तो जो टाइप फर्स्ट सिक्रेटेड टॉक्सिन्स हैं उसका एक एग्जाम्पल है एडिनाइल साइक्लेज हीमोलाइसिन, यानी कि सी वाई ए ऑफ बॉर्डोटेला पर्टुसिस,
ठीक है, तो सीवाई ए बॉर्डर टेला पर्टिस इसका एक एग्जाम्पल है टाइप फर्स्ट सिक्रेटेड टॉक्सिन का। तो ये टाइप फर्स्ट सिक्रेटेड टॉक्सिन इस सिस्टम से रिलीज होता है। इसके बाद टाइप सेकेंड सिक्रेटेड टॉक्सिन की बात करें तो टाइप सेकेंड सिक्रेटेड टॉक्सिन इसको ये सेक और टेट डिपेंडेंट सिस्टम है। और सेक और टेट डिपेंडेंट सिस्टम आप पहले वाले लेक्चर में पढ़ लेना, मैंने बनाया है। तो इसका एग्जांपल है कोलेरा टॉक्सिन ऑफ विब्रियो कोलेरी, कोलेरा सी यानी सिटी टॉक्सिन। तो सिटी टॉक्सिन ऑफ विब्रियो कोलेरी इसका एग्जांपल है। ये हम टॉक्सिन क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि करंट स्टडीज ऑन द कोलेरा टॉक्सिन इन्वॉल्व्स द यूटिलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन एज एन एडजुवेंट इन द वैक्सीन डेवलपमेंट। तो ये कोलेरा टॉक्सिन एज ए एडजुवेंट यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कैन बी स्टडीड फॉर ए टूल टू स्टडी इट कैन बी ए टूल टू स्टडी इंट्रा सेलुलर प्रोटीन ट्रैफिकिंग। तो इंट्रा सेलुलर प्रोटीन ट्रैफिकिंग को भी हम पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इसके लिए। तो ये अच्छे आगे आने वाले टाइम में एक रिसर्च वर्क टॉपिक हो सकते हैं। तीसरा जो टाइप थ्री सिक्रेटेड टॉक्सिन्स हैं ये निकलते हैं अनफोल्डेड और सेमी फोल्डेड स्टेट में। और T3 में आपको पता है कि निडल लाइक स्ट्रक्चर होता था, ये हमने एक लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा है। तो इसका एग्जांपल है एक्सो एस इज अ टाइप थर्ड सिक्रेटेड टॉक्सिन। एक्सो एस कहाँ से रिलीज होता है, सीडोमोनास एरोजिनोजा से। एक्सो एस ऑफ सीडोमोनास एरोजिनोजा, ठीक है। इसके बाद टाइप फोर में आते हैं। तो टाइप फोर में सिक्रेटेड टॉक्सिन में केवल ऐसा नहीं है कि प्रोटीन ही सिक्रेट होता है, प्रोटीन के अलावा डीएनए या फिर डीएनए आरएनए कॉम्प्लेक्स या आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये या फिर प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी सिक्रेट होते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है उस पर आ जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है लेजियोनेला, ब्रुसेला और कॉक्सिएला। ये तीनों जो हैं बैक्टीरिया ये टाइप फोर सिक्रेटरी सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसके बाद टाइप फाइव सिक्रेटरी सिस्टम सिक्रेटेड टॉक्सिन्स कौन से हैं, इस पे आते हैं। इसको सिक्रेटेड टॉक्सिन्स को ऑल्सो टर्म्ड एज ऑटो ट्रांसपोर्टर सिक्रेशन ग्रुप भी कहते हैं। तो ये जो टाइप फाइव सिक्रेशन ग्रुप है इसको हम बोलते हैं ऑटो ट्रांसपोर्टर सिक्रेशन ग्रुप, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो सिक्रेशन सिस्टम है ये खुद ही ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन पे जाके वहाँ अटैच हो जाता है और खुद ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं टाइप सिक्स एंड टाइप सेवन सिक्रेशन सिस्टम पे। तो टाइप सिक्स सिक्रेशन सिस्टम का एग्जांपल है विब्रियो कोलेरी एंड सीडोमोनास। और टाइप सेवन जो है उसमें चूंकि हमें पता है माइकोलिक एसिड वाले बैक्टीरिया आते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम है ना, लिशेरिया है, कॉरिनी बैक्टीरिया में, सॉरी लिशेरिया नहीं, कॉरिनी बैक्टीरिया में। तो ये बैक्टीरिया जो है टाइप सेवन सिक्रेशन सिस्टम में आते हैं, ओके। तो ये था अभी तक जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के बारे में। होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर्स। थैंक्स।